मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आने के लिए बहुत देरी होगी, लेकिन शिवा पल्लवी और सातपुती ताई और बाकी के सब लोग, सुधीर भगत, ये सब लोग इकट्ठा मिलकर जो मजमा और माहौल याद दिखता है, वो मुझे बोलते थे कि सम्राट नगर में धोखा है। आज मुझे लगता है सम्राट नगर ने मुझे सम्राट बना दिया है, तो चंद सवाल मेरे है। ये ऊपर का रास्ता के पहले मैक से झगड़ के हम सब मिलके ये बनाया था, चार देखे जब चार तब हमारी एक बहन की बहन है चेतना दीक्षित, वो हाईकोर्ट में गई थी और हाईकोर्ट से हमने जजमेंट लाया था इस रास्ते के लिए। ये रास्ते में हादसा हुआ, एक 5 साल का बच्चा मर गया, 5 साल बाप, उसका बाप है ये सादिक। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस वार्ड के और इस एरिया के मालिक समझने वाले कुछ लोग, कहाँ थी तुम्हारी इंसानियत जब इसका बेटा मर गया? देखने को आए ना, ये देखने को सादिक, मैं तेरे साथ कितने घंटे बैठा था? 3 घंटा है वक्त काटते मेरे साथ, सानू भाई थे 3.5 घंटा, शिवा जगताप था मेरे साथ 3.5 घंटा, लेकिन ये सामने वाला नगर सेवक जिसमें हमने 4 बार चुनके लाए, 1 मिनट के लिए फोन नहीं किया। और उसको जब मालूम पड़ा अनिता साहब सातपुते ताई मेरे घर पे आई और मैडम मेरे घर पे आई रुता मैडम, तो उसके बाद भी 8-10 दिन के बाद में भी अगर वो आता मुझसे मिलने तो मुझे ऐसा लगता कि नहीं, स्थानीय नगर सेवक मुझे मिलने आया, लेकिन मुझे मिलने नहीं आया। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन के अंदर और नगर सेवक के अंदर करारदार जवाब मिलेगा। इंसानियत खत्म हो गई, हम किसी को आज के चुनाव में क्या हो गया मालूम? हम गरीब मुसलमान और गरीब हिंदुओं को, गरीब इंसानों को खरीद सकते हैं, ऐसा एक माहौल तैयार हो गया। ये तुझे कीमत कह रहे, तुझे कीमत कह रहे, चल गे चल, ये तेरी कीमत कह रहे, चल ले चल। इंसान खरीदा नहीं जा सकता है भाई मेरे, इंसान गरीब हो सकता है लेकिन लाचार कभी नहीं हो सकता, उसको लाचार बनाते। हमने जो उमरा में लाया वो सीना तान के हिंदू मुसलमान चल रहा है, उसका सीना कमजोर मत करना पैसे देके, और पैसे से कमजोर कोई नहीं होगा इस उमरा में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई कमजोर नहीं होगा। सबका बोल के हो गया होगा, सम्राट नगर नाला ये जो प्रमुख समस्या है उसके लिए 12 करोड़ रुपए आए हैं, कितने काम शुरू हो जाएगा और बहुत सारी चीज गिनवानी है, लेकिन तुम्हारे और ऊपर का अपना गांव देवी, इनका जो रिश्ता है वो ये रास्ते से जुड़ा है,
और चांद भाई ने बच्चे की मौत के बाद वो रास्ता बंद कर दिया शादी को, और चांद भाई चिल्लाते रहते हैं साहब शादी को समझाओ ना साहब, क्योंकि सब बेचारे औरतें उधर से ही चल के आती है नीचे। तो मैंने सादिक को समझाया और सादिक ने इंसानियत के नाते मुझे कहा है कि जब भी आप चाहो तब आना और उसको खोल देना, वरना मैं हाथ ही नहीं रहना देंगे किसको, ऐसा मर्द है मालूम है। तो वो एक समस्या हट जाएगी। ऊपर से ऊपर एक पानी की टंकी बन रही है, तो जो टूटी हुई टंकी है वो फिर से बांध दी जाएगी और एरिया का पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो बांधने के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेगा। वो पाइपलाइन पावर वो टंकी पास हो गई है, जैसे गांव देवी के लिए अपन 20 लाख लीटर की टंकी बनाई है बराबर है ना, ऐसे इधर ऊपर 10 लाख लीटर की टंकी बनने वाली है, 10 से 20 लाख। ये ऊपर एक टंकी है ना, मालूम है 15 लाख लीटर की एक टंकी है उधर, उसका पूरा रिनोवेशन करके वो टंकी लाके उस टंकी में पानी लाके 15 लाख लीटर पूरे इस एरिया को सप्लाई होगा। मुझे लगता है आपकी पानी की जरूरत उसी से कम होगी और जो हाल आपने निकाला है वो हमेशा लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाकी और कुछ बोलने जैसा नहीं है, मेरी निशानी आपको मालूम हो गई होगी। क्या है मेरी निशानी? बस एक नंबर का बटन दबाओ, तुतारी का बटन दबाओ और मुझे फिर से एक बार विधानसभा भेजो। नमस्कार, तुतारीचा बटन दबा आणि परत एकदा मला विधानसभेत पाठवा, एवढंच आपल्याला सांगतो। आणि ज्या शहरामध्ये हिंदू मुसलमान गेले 50, 60, 70, 80 वर्ष एकत्र राहिलेत, आपण असाच भावाभावाचं बहिणी बहिणीचं नातं कायम ठेवूया। हा देश ज्या गोष्टीसाठी ओळखला जातो आपलेपणासाठी, तो आपलेपणा एकत्र ठेवू, या भूमीचा या मुंबऱ्याचा विकास करूया। एवढंच बोलतो, इथेच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। यांच्या वतीने आवडसाहेबांचा स्वागत करण्यात येत आहे। सक्षम करतो लाखामध्ये, सक्षम करतो लाखामध्ये एकच खरा, अरे आव्हाड साहेबच ह्या कालव्या मुंगळ्यात कोयनो येतात।